कच्चे को नाव से आए हैं, यहाँ बिलग्राम आए थे घूमने के लिए। यहाँ दरगाह है, दरगाह पे आए थे, ताहिर मियाँ की दरगाह पे। वहाँ से मालूम है यहाँ कछुओं का तालाब है पास में, पड़ोस के गांव में, बहुत अनोखा गांव है जहाँ काफ़ी सारे कछुए हैं। गांव के अंदर तालाब है, बहुत पुराना तालाब है जहाँ पहले कभी डाले गए होंगे कछुए। यहाँ काफ़ी तादाद में कछुए हैं जिनका पालन पोषण यहाँ के गाँव के लोग करते हैं। बहुत बहुत दूर से लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं यहाँ पर। तहसील बिलग्राम, गांव ककड़ा खेड़ा, जिला हरदोई में है, एक अनोखा तालाब मौजूद है जहां पे सैकड़ों की संख्या में कछुए हैं। कई वर्षों से वहां पे रह रहे हैं और उनका पालन देखरेख सब गांव वाले करते हैं। जिला प्रशासन के संज्ञान में जब ये बात आई तो वहां पे अधिकारियों की टीम पहुंची, तमाम विभाग वहाँ पर साथ साथ पहुँचे और ये देखा गया कि किस तरह से इन कछुओं को और विकसित करा जा सके और वहाँ के पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। वहाँ पे एक टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर जहाँ पे पर्यटक आके इन कछुओं के बारे में जान सके, उसकी प्लानिंग करी गई। कछुओं के प्रजनन के लिए वहाँ पे व्यवस्था करी गई, क्योंकि कई बार ये कछुए जब खेतों में चले जाते थे तो इनका शिकार हो जाता था। इनको अपने अंडे देने के लिए भी उन खेतों में जाना पड़ता था और वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं रहती थी। तो वैज्ञानिकों को बुला के, विशेषज्ञों को बुला के वहाँ पे खास इस तरह की व्यवस्था करी गई कि ये बड़ी सुरक्षा के साथ अपने अंडे वहाँ पे दे सकें, जिससे आगे इनका विस्तार हो सके। साथ ही साथ उस तालाब की साफ़ सफाई कराना है, उसका पे और नरेगा से काम कराना, उसका विस्तारीकरण करना, ये सब कार्य प्रशासन ने गांव वालों की मदद से करे। इसमें गांव प्रधान का, गांव के निवासियों का बहुत ही साथ मिला, क्योंकि कई वर्षों से वो गांव वाले उसकी देखरेख कर रहे थे। और सबसे खुशी की बात थी कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसमें केवल 8 इस तरह के तालाबों को चिन्हित करा गया था, उसमें जनपद हरदोई के इस तालाब का चिन्हीकरण करा गया और आगे अब इसको केंद्र सरकार से भी मदद प्राप्त हुई।